हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने गार्डनिंग में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आप सभी को अपने टेरेस गार्डन का ओवरव्यू देने वाली हूँ, साथ में दिखाने वाली हूँ कि कौन कौन से फ्लावर मेरे गार्डन में खिले हुए हैं और उनके नाम भी बताने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को प्लांट्स की जानकारी हो जाए कि कौन से प्लांट्स का क्या नाम है और कौन से फ्लावर का क्या नाम है। तो ये सब मैं ही आपको बताती चलूँगी, ताकि आपको उनके प्लांट्स के नाम भी पता चल जाएँ। तो आप देख सकते हैं, इस समय जो है गार्डन पूरा फूलों से भरा हुआ है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। तरह तरह के फ्लावर मेरे गार्डन में खिले हुए हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मैंने ये सारे ही प्लांट्स तैयार किए हैं वो सीडलिंग से तैयार किए हैं, कोई भी प्लांट्स मेरा बाय किया हुआ नहीं है। हाँ, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको मैंने बाय किया है, पर ज़्यादातर प्लांट्स मेरे पास जो हैं वो मैंने सारे ही सीडलिंग से तैयार किए हैं, और उसका मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर किया था। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, देख लें। और सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि मेरे आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आप देख सकते हैं, ये है गजनिया का प्लांट्स है, और देखिए पिटूनिया का कितना सुंदर कलर खिला हुआ है। और ये पेपर फ्लावर हैं, तो इनको तो मैंने ऐसे ही सीड से तैयार किया हुआ है, बहुत सारे निकल आए थे। कुछ खास मैंने इनको फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं दिया है, फिर भी ये बहुत अच्छे खिल रहे हैं। लेकिन जो पिटूनिया है हमारा, वो बहुत अच्छे खिल रहे हैं, और जो उनके कलर भी हैं वो भी बहुत सुंदर निकल कर आए हैं। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतने सुंदर सुंदर कलर निकल के आएंगे। लगभग पिटूनिया के तो सारे ही कलर मेरे पास हैं, आप देख सकते हैं, ब्लू है, ऑरेंज है, वाइट है, सारे ही शेड इतने खूबसूरत लग रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और देखिए ये देसी पिटूनिया है, तो देसी पिटूनिया आप लोग ज़रूर लगाएं, बहुत लगभग आप इसमें मई तक फ्लावरिंग पा सकते हैं। और यहाँ आप डॉग फ्लावर देख रहे हैं, तो डॉग फ्लावर भी बहुत अच्छी कंडीशन में है और बहुत सारी फ्लावरिंग कर रहा है। और ये देखिए, मैंने टायर से प्लांटर बनाए हुए हैं, और टायर में मैंने यहाँ किसी में पिटूनिया लगाया है और साथ में एलाइसम भी लगाया हुआ है, और इसमें मैंने सारे डेंटस लगाए हुए हैं, सारे ही डेंटस के सेड हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें भी देखिए पिटूनिया, जो तीसरा टायर है उसमें भी मैंने पिटूनिया ही लगाया हुआ है। तो लगभग मैंने इनमें एक या दो ही प्लांट्स लगाए हैं, आप देख भी सकते हैं सारे ही कलर बिल्कुल मैच कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लगाया है, फिर भी जो ये है पूरा भर गया है टायर। और इसमें भी देखिए रानी कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। गजनिया के भी बहुत सारे कलर सेट्स निकल कर आए हैं, बिल्कुल भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सुंदर सुंदर कलर निकल के आएंगे। तो जो आप ये ऐसे देख रहे हैं, जो स्पेंट होते जाए ना फ्लावर, आप उनको हटाते जाइए, इससे क्या होगा आपका जो प्लांट्स है वो घना होगा। क्योंकि अगर आप इनमें सीड बनना स्टार्ट अगर ये प्लांट्स कर देंगे, तो प्लांट्स भी समझ जाते कि अब हमारी जो है कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो वो सूखना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप हटाते जाएँ जो स्पेंट फ्लावर हैं। और यहाँ पर ये है डबल पिटूनिया, तो डबल पिटूनिया भी बहुत सुंदर लग रहा है, पूरा फूलों से भरा हुआ है। और ये है एक डेंटस का सेट, तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। और यहाँ पर भी डेंटस, देखिए ये भी पिटूनिया, तो इसको भी मैंने टायर में ही लगाया हुआ है। और देखिए ये टायर जो है सब मेरे अपने हाथ के बनाए हुए प्लांटर हैं ये सब। और ये भी देखिए देसी पिटूनिया है, पूरा कलियों से भरा हुआ है, कुछ दिन में ये भी फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देगा। ये पेंजी है, तो पेंजी का जो कलर मुझे थोड़ा कम अच्छा लगा, क्योंकि पेंजी में भी बहुत सुंदर सुंदर कलर आते हैं। और ये नस्ट्रेशियम है, इनको मैंने सीड से लगाया था, और देखिए अब इनमें सीड भी बनना स्टार्ट हो गए हैं, कलर भी बहुत सुंदर निकल के आए हैं, रेड येलो। देखिए ये सीड है, सीड आप इनको बनना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। और यहाँ पर भी देखिए गजनिया है, गजनिया की सेट बहुत सुंदर निकल कर आए हैं, देखिए ये येलो है। और ये वर्बीना है, ये समर का वर्बीना है, लेकिन ये अपने मन से सीड से निकल आए हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर ये देसी कैलेंचो है, और ये भी वर्बीना है और पेंजी है, दोनों को मैंने मिक्स लगा दिया था। और देखिए कनेर में भी बहुत अच्छी कलियाँ स्टार्ट हो गई हैं बनना। और ये है कुंडा का फ्लावर,
तो कुंडे में भी बहुत सुंदर फ्लावरिंग हो रही है। इसकी महक बहुत अच्छी लगती है, बहुत खुशबू देता है ये प्लांट्स, तो आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। और यहाँ आप देख सकते हैं मरगिदा देसी है, तो आप ये डबल पैटर्न में भी आता है और सिंगल पैटर्न में भी आता है। तो आप मेरे सामने जो देख रहे हैं ये देखिए सिंगल पैटर्न है, ये सारे ही सिंगल पैटर्न हैं। और मैं आपको डबल भी दिखा देती हूँ, रुकिए एक मिनट मैं डबल दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो है ये डबल पैटर्न के हैं, तो बहुत अच्छी ये भी फ्लावरिंग कर रहे हैं। और ये भी डबल पिटूनिया है, हालांकि अभी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, पर पूरा प्लांट जो है वो कलियों से भर गया है, तो 4-5 दिन में ये भी फ्लावरिंग देने लगेंगे। और यहाँ पे भी देखिए ये भी एक पिटूनिया का सेट है, ये डेंटस्ट है, और देखिए ये छोटा सा नींबू लगा हुआ है, और ये भी पेंजी है। तो यहाँ मैंने पेंजी और पिटूनिया को, और ये डेंटस्ट है, तो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है आप देख सकते हैं। और सारे ही मैंने सीडलिंग से तैयार किए हुए हैं। ये कैलेंडुला है, तो कैलेंडुला मेरे गार्डन में थोड़ा कम लग पाया है, क्योंकि मैं 2 या 3 ही प्लांट्स लेकर आई थी। और यहाँ पर भी देखिए सारे ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और ये कॉस्मोस है, कॉस्मोस भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, हालांकि कॉस्मोस के बहुत सारे प्लांट जो हैं वो अब ख़राब हो चुके हैं। ये देसी डहलिया है, और यहाँ पर देखिए गुलाब है, ये पिंक कलर का गुलाब है, और आप इसका साइज देखिए बिल्कुल मेरे पूरे हाथ में समा गया है, तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर ये सारे देसी गुलाब हैं, तो आप इनकी जो कलियाँ हैं जब ये फ्लावर स्पेंड होते जाएं तो आप इनको हटाते जाएं, क्योंकि आप जैसे ही इनको हटाएंगे यहाँ से 3-4 ब्रांचें निकलेंगे और फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होगी, और आपका जो प्लांट है वो भी घना हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको मैंने दिखाया बहुत सारे फ्लावर खिले हुए मेरे गार्डन में, तो आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ देखिए ये आइस फ्लावर हैं, तो मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।